बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाह रहा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे देश के हैं, जिनके कारण ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया इस भारतवर्ष में, उनके सम्मुख अगर मैं कुछ लीगल बातें बता पाता तो वो ज़्यादा सार्थक होता हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए। लेकिन मुझे ख़ास तौर से मेरे बड़े भाई अशोक कुमार जी ने बुलाया। अच्छा, वो कह रहे दोबारा राउंड में करवा देंगे, चलो बढ़िया। क्योंकि मैं आया यहाँ पर हूँ, मुझे हमारे समाज के लोगों ने बहुत सुना है और 15 साल से इस देश के जंगलों कंदराओं में जहाँ जहाँ जिसने बुलाया वहाँ वहाँ गया, जिस मुकाम में गया। और मैंने कभी ये नहीं देखा कि कौन पार्टी किस पार्टी का है, कौन सा दल क्या है, चाहे वो बाम सेब हो, चाहे कोई किसी का बाम सेब हो, कोई इसका बाम सेब हो, कोई ये ऑर्गेनाइजेशन हो, वो ऑर्गेनाइजेशन हो। मैंने सिर्फ ये देखा कि हमारा समाज का आदमी जहाँ होगा वहाँ मनोज गोरखेला जाएगा। तो शायद इस वजह से मुझे एक बाम सेब वाले दूसरे बाम सेब वाले नाराज हो गए, उस बाम सेब पे गया वो बाम सेब वाले नाराज हो गए, क्योंकि बाम सेब भी कोई बामन बेसराम जी की बाम सेब है, कोई दूसरी बाम सेब है, कोई तीसरी बाम सेब है। तो बड़ा रिपब्लिकन पार्टी भी, एक रिपब्लिकन पार्टी बोलती है मैं रिपब्लिकन पार्टी हूँ, दूसरे, तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। बट मुझे जिसने भी बुलाया, क्योंकि मैं जब भी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होता हूँ, मैं ये नहीं देखता मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हूँ। मैं अगर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँ तो इस देश के 40 करोड़ लोगों की तरफ से खड़ा हूँ। और मैंने इस सुप्रीम कोर्ट को एक बार नहीं 50 बार अपनी बहस में कहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कहर साहब थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी कोर्ट में जब SC ST कमीशन का मैटर मैंने आर्गू किया तो मैंने बड़े गर्व से कहा कि मैं 40 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं माय लॉर्ड। और जब इस देश में रामदेव बाबा का केस चला, उसके खिलाफ 184 मुकदमे हुए, पहला आदमी सुप्रीम कोर्ट के अंदर था जिसने रामदेव की पिटीशन को डिसमिस करवाया और वो पिटीशन में ट्रायल हुआ, और उस पिटीशन में आज भी ट्रायल जो है बिहार में चल रहा है, ये इतिहास गवाह है। तो वहां पर भी मैंने उस जस्टिस दत्तू साहब की कोर्ट थे, तब चीफ जस्टिस दत्तू साहब थे, वहां पर भी मैंने गर्व होके बोला कि मैं 40 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्योंकि जब मनोज गोरखेला उस मंच पे खड़ा होता है जहां पर कोई और नहीं होता, अभी कल की बात है जो हमारे भाई साहब अशोक कुमार जी ने कहा कि मुझे बड़ा गर्व हो, एक तरफ से बड़ा गर्व हो रहा था, एक तरफ से बहुत दुख हो रहा था। कल क्या होता है कि जब हम किसी शेर भी कभी अगर किसी बड़े जानवर से शिकार खेलता है ना, जब शिकार करता है, आपने कभी वो उसमें देखा होगा ये डिस्कवरी चैनल में, कई बार बड़े बड़े जानवर होते हैं, हाथी होता है या कोई बड़े जानवर होते हैं, तो शेर कई बार अकेला शेर होता है, वो नर्वस हो जाता है, 2-3 शेर उसके सामने आते हैं तो वो जो है उस भैंसे को, उस जानवर को भी मार डालता है। तो मैंने कल दो चीजें फील करी, ये कल की बात है, कल की घटना है, क्योंकि कल ही ऑर्डर आया हो। तो मैंने ये कल फील करा अपने अंदर कि जब इस देश का, और मैंने कुछ मीडिया के लोग कल रात के 11 बजे 12 बजे मेरे घर पर आए थे, कई मीडिया के लोग हमारे, क्योंकि अब हमें ये गर्व है कि हमारे हर जिले में एक मीडिया, डॉक्टर बाबा साहब का मीडिया हर जिले में। और शायद ये जो मीडिया आपके सामने दिख रहा है, इस मीडिया की भी ताकत थी जो इस देश में इतना क्रांतिकारी, जो आंदोलन हुआ है मीडिया के बदौलत। और कुछ मीडिया हमारे पास ऐसा है जिसमें भारत गवर्नमेंट, भारत का कोई रोल नहीं है उसमें, जिसमें व्हाट्सएप में भारत का कोई रोल नहीं है, फेसबुक में भारत का कोई रोल नहीं है, यूट्यूब पे भारत का कोई रोल नहीं है। ये मीडिया ने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया, क्योंकि ये जो मीडिया है ये नहीं दिखता कि कौन ST है, कौन ST है, कौन किस कास्ट का है, ये इंसान को देखता है, ये किसी जाति वर्ग धर्म को नहीं दिखता ये मीडिया। ये बहुत बड़ी बात, इसका भी योगदान था। तो कल मैं जब कोर्ट में खड़ा हुआ तो जब मैंने देखा, मैंने कल मीडिया में कल रात भी बोला, मैंने हमारे अशोक भारती जी का, जैसे कोर्ट से, सॉरी अशोक कुमार जी से, जैसे मैं कोर्ट से बाहर निकला, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब वहाँ थे, अशोक कुमार जी, तो जैसे कोर्ट से बाहर निकला तो आपके साथ मेरी चर्चा हुई, तो मैंने इनसे आपसे भी शेयर किया। मैंने कहा मेरे को एक बड़ा दुख हुआ कि जनरल के लोग इतने सारे सीनियर वकील अपोजिट साइड, सुप्रीम कोर्ट ने 2 एमेकेस कुरी अपॉइंट करे जिसमें अमरिंदर सरन साहब भी एक एमेकेस कुरी थी, वो भी हमारे खिलाफ बोल रहे,
दूसरा एडवोकेट है जो अपॉइंट किया वो भी हमारे खिलाफ। तो मैंने कल कोर्ट को ये बोला कि माय लॉर्ड ये मैटर जो है ये एट्रोसिटी का मैटर है, और इस मैटर को जो एट्रोसिटी एक्ट का केस लड़ता है वही रिप्रेजेंट कर सकता है, वही समझा सकता है। जब आप इस देश के ऑर्गेनाइज एसटीएससी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं सुनोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज द एट्रोसिटी, एट्रोसिटी होती क्या है? ये मैंने कल कोर्ट में बोला, और कल मुझे लगता है कि मैं कभी सोचता था कि मेरे साथ और भी लॉयर मेरे साथ अगल बगल इधर उधर खड़े होते तो थोड़ा एक मॉरल सपोर्ट मिलता, लेकिन कल जब मैं अकेला खड़ा था, अकेला बोल रहा था, और कल पहली बार मेरे हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि मैंने कुछ ऐसा काम किया कि शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मुझे तिहाड़ जेल भी भेजा जा सकता था, क्योंकि जब मैंने बहस करी कोर्ट मुझे नहीं सुन रही थी, कोर्ट बोल रही थी सिर्फ हम यूनियन ऑफ इंडिया को सुनेंगे और किसी को नहीं सुनेंगे। तो कोर्ट मेरे आर्गुमेंट से, कोर्ट कुर्सी से खड़े हो गए जस्टिस गोयल साहब, और उन्होंने बोला मैं सुनूंगा नहीं, मैं अंदर जा रहा हूं, मैं सुनूंगा ही नहीं आपको, मैं नहीं जा रहा हूं, अंदर जा रहा हूं। मैंने कहा आप चले जाइए अंदर। जब आप इस देश के एसटीएससी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं सुन सकते तो इस देश के 40 करोड़ लोगों को जस्टिस कैसे कर सकते हैं? कई बार ये कोर्ट क्या होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज अगर आपको जेल भेजता है कंटेम्प्ट में तो फिर उसकी अपील कहीं नहीं है दुनिया में। लेकिन मुझे गर्व होता कि मैं इस कौम के लिए तिहाड़ जेल गया, इतिहास में नाम होता मनोज गौतम, मुझे वो भी डर नहीं थी। शायद मेरे जो एक दो ऑर्गेनाइजेशन थे और जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैंने केस लड़ा उनसे एक रुपया नहीं लिया मैंने, और ना उन्होंने मुझे एक रुपया दिया, ना उन्होंने मुझे एक रुपया दिया और ना मैंने एक रुपया लिया। पूरी पिटीशन मैंने, एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने का खर्चा 30 से 40 हजार रुपये होता है, उतना रिसर्च वर्क करना, उतना ड्राफ्ट वर्क करना, क्योंकि एक मिशनरी आदमी हूं। आप लोग आज से नहीं, मुझे कई वर्षों से सारे रेलवे के लोग जानते हैं, हमारे अशोक कुमार जी वैरवा साहब आज से नहीं कई वर्षों से मुझे जानते हैं, एक मिशनरी आदमी हूं। अगर इस समाज के लिए खुद को बेचना पड़ा, खुद का घर बार बेचना पड़ा तो भी पीछे नहीं आता। तो मैंने ये पिटीशन, किसी ने एक रुपया नहीं दिया मुझे, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं मुझे जानते हो, तो जब पिटीशन की एक रुपया नहीं दिया तो किसी सीनियर को खड़े करने का तो मौका ही नहीं मिल सकता, तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे एसटीएससी लोग जब मेरे पास आते हैं वो मुझसे बोलते हैं साहब पैसा फीस आपकी देके जा रहे हैं, कितना? खरे 5,000 रुपये देके जा रहे हैं साहब, पिटीशन फाइल होनी चाहिए साहब, 10,000 रुपये देके जा रहे हैं। अब मैं उनसे क्या बोलूँ कि नहीं लड़ सकता बोलूँ तो पूरी दुनिया में जाके बोलेंगे मनोज गोरखेला तो समाज के लिए ही वायरस है, समाज का भला नहीं चाहता, हमारा केस ही नहीं लड़ा उसने। अब न लड़ू केस तो मुसीबत, लड़ू तो मुसीबत। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने अपनी जेब से, कई एट्रोसिटी केसों में अपनी जेब से पैसा लगा के सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, किसी भी आदमी को वापस नहीं जाने दिया, अपने घर से वापस नहीं जाने दिया, अपने ऑफिस से वापस नहीं जाने दिया। और रही बात, मैं सोचता हूँ टाइम कम है क्या, अभी और 15-20 मिनट ले सकते साथियों, मैं तो आपका 15-20 आधे घंटे और लेना चाहता हूँ, थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको ये केस है क्या, क्योंकि मैं, आप देखो रेलवे का जो ड्राइवर होता है ना, गाड़ी चलाता रेलवे का, उसको पता होता है कहाँ लाल बत्ती है, कहाँ हरी बत्ती है, कहाँ मशीन है, कहाँ क्या है, सब कुछ पता होता है। रेलवे का जो इंजन, जो इंजीनियर होता है उसको पता होता है कहाँ पर फॉल्ट आया, इतना ज्यादा ब्रिलियंट होता है उसको पहले पता चलता है, रेल की आवाज सुन के पता चलता है ये रेल में डिफेक्टेड है या नहीं है करके, इतने इंटेलिजेंट इंजीनियर होते हैं रेलवे में। वैसे ये हम लोगों का काम क्या है, वकालत में हम पिटीशन को देख के बता देते हैं कि केस हारने वाला है या जीतने वाला है, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है आदमी को लाइफ में। और साथियों, ये जो कहानी है हमारे देश की, ये मुझे लगता है ये कहानी तब शुरू हुई 1956 में। मैं 1956 में क्या कहानी शुरू हुई, सबको पता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, इस दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों मानते हैं लोग, इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को इसलिए लोग मानते हैं क्योंकि उन्होंने भारत का संविधान लिखा।
भाई पीछे वाले लोग हट जाइए पीछे से। उन्होंने भारत का संविधान लिखा। पीछे लड़ते भाई, क्यों खड़ा पीछे? और बाबा साहब के गुरु भी थे कई लोग, उनको लोग नहीं मानते, कम लोग मानते। ये देश कई वर्गों में बटा है। वाल्मीकि समाज अलग बटा हुआ है, रविदास समाज अलग बटा हुआ है, सतनामी समाज अलग बटा हुआ है ये देश। लेकिन आपको हर टेंपल में, वाल्मीकि मंदिर में भी, बुद्ध गया में भी, बुद्ध हर जगह आपको बाबा साहब मिलेंगे। वो इसलिए मिलेंगे, पूरी दुनिया में मिलेंगे इसलिए क्योंकि बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा और संविधान के अंदर 5 आर्टिकल अनुच्छेद डाल दिए। 5 आर्टिकल, उन आर्टिकल में 335 भी है, उन आर्टिकल में 16(4) भी है, वो आर्टिकल में 17 भी है, अनटचेबिलिटी नहीं होगी इस देश में। और जो बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा, उन 5 आर्टिकलों को अगर इमेजिन करो, उस संविधान से निकाल दो, तो क्या वो संविधान इस देश के एसटीएससी लोगों के लिए होगा या नहीं? यस नो? कितने लोग मानते नहीं होगा, किसी काम का नहीं होगा? यस। अगर वो बाबा साहब के 5 आर्टिकल हम इस संविधान से निकाल दें, तो वो संविधान एसटीएससी के किसी काम का नहीं है, ये याद रखना। और वो 5 आर्टिकल जो होते हैं उनमें हथौड़ा 1956 से मारा गया, हथौड़ा। अब वो हथौड़े क्या थे? पहला हथौड़ा 1956 में मारा गया, जब 6 दिसंबर 1956 को घटना सबको मालूम है क्या हुआ था 6 दिसंबर 1956 को? यस, इस देश का महामानव हमें छोड़ के चले गया। उसके बाद अच्छा, थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी मुझे हमेशा हमारे अशोक कुमार जी जो जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने चाहे तालकोटरा का प्रोग्राम हो चाहे जहाँ प्रोग्राम हो, इन्होंने बहुत इज्जत दी है, बहुत सम्मान दिया मुझे, हमेशा मंच से सम्मानित किया है। और इस देश में मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास आज की डेट में कम से कम 200 ऑर्गेनाइजेशन आए। मैं अशोक कुमार जी से एक बात कहना चाहूँगा, आपके सामने 150 ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे फोन किया, साहब हमारी तरफ से पिटीशन डालो, हमारी तरफ से। लेकिन एक अशोक कुमार जी पहले आदमी थे, भैरवा साहब पहले आदमी थे जिन्होंने बोला, गोरकेला जी 15-20 लाख रुपए देने पड़ जाए, अब हर साल में चाहिए हमें इस केस में, हर साल में मुकुल रोहतगी चाहिए, हम 15-20 लाख रुपए घर मकान बेच के देने के लिए तैयार। तैयार किया गया था इस देश में, खतरनाक वायरस, जो वायरस पूरे देश का रिजर्वेशन निकल गया। कोई बताएगा वो वायरस क्या था? क्या था वो वायरस? इस देश का 80% रिजर्वेशन निकल गया वो वायरस, बताइए मुझे। और बाबा साहब के जाने के 15 दिन बाद, अरे किसी की मौत होती है 3-4 महीने बाद तक रुकता है, 15 दिन बाद वो वायरस देश में छोड़ दिया गया, ये देश का रिजर्वेशन निकलने के लिए। वो वायरस क्या है कोई बताएगा मुझे? 80% रिजर्वेशन निकल गया वो वायरस। और साथियों, जब ये कंपनी एक्ट आया, ये कंपनी एक्ट देश का रिजर्वेशन निकल गया पूरा। अब कंपनी एक्ट के बाद किसी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आज तक कोई रिट पिटीशन फाइल नहीं करी। क्या रिट पिटीशन फाइल नहीं करी? कि कई कंपनी एक्ट संविधान के अनुच्छेदों का, आर्टिकल 330 का वायलेशन करता, फाइल ही नहीं करी किसी ने। अब दूसरा वायरस कब आया? क्या है दूसरा वायरस? मैं इस देश के, भारत सरकार को, पूरे देश के लोगों को यह बताना चाहता हूं इस मंच से,
हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनको बताना चाहता हूं ताकि ये पार्लियामेंट के अंदर ये बात कर सके, ये बात जी जी जी, ताकि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मैं बोल रहा हूं वो बात पार्लियामेंट के अंदर बोल सके। क्या पता किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अगर ये बात कन्विंस कर दी सभा को, तो क्या पता कौन सी सभा कंपनी एक्ट में भी रिजर्वेशन लेके आ जाए। और मैं कहता हूं कंपनी एक्ट में रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन कहां है, 100% रिजर्वेशन है, वो सिर्फ एक पोस्ट के लिए कंपनियों में, वो पोस्ट क्या है, स्वीपर की पोस्ट, झाड़ू मारने वाली पोस्ट। मैंने कोर्ट में आर्गुमेंट किया, मैंने कहा माय लॉर्ड कंपनी एक्ट में भी रिजर्वेशन है और 100% रिजर्वेशन, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रिजर्वेशन है 100% है, स्टेट गवर्नमेंट में, भारत के सारे स्टेट गवर्नमेंट में रिजर्वेशन है 100% रिजर्वेशन है, और वो रिजर्वेशन एक पोस्ट के लिए है, वो पोस्ट क्या है, स्वीपर की पोस्ट है बस। और साथियों इसके बाद दूसरा जो वायरस आया इस देश में वो है बैकलॉग का। इस देश में जितने स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैकलॉग भरे नहीं है, जो इनका हक है, जो इनकी परसेंटेज है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो तो भरो कम से कम, क्यों नहीं भरे आप। और तीसरी प्रॉब्लम क्या है, देश जो चलाते हैं वो देश चलाने वाली जुडिशरी, आज की डेट में ये जुडिशरी में जितने हाईकोर्ट जज है, जितने सुप्रीम कोर्ट जज है, वहां पर STSC का रिप्रेजेंटेशन क्या है, जीरो, सुप्रीम कोर्ट में जीरो। और दूसरी बात, एक और मजे की बात, सुप्रीम कोर्ट में 9 से 10 जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो भारत की बात रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसको समझाते हैं कोर्ट को। और जब एक अटॉर्नी जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में खड़ा होता है तो वो कहता है माय लॉर्ड आई एम, मैं पूरे कंट्री के 125 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 1950 से लेके आज तक कोई भी एसटीएससी कॉम का व्यक्ति एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अगर बना देते तो भारत की रूपरेखा, भारत के इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की सिचुएशन कुछ अलग ही वो बताता कोर्ट को, समझाता कोर्ट को। और मैं आज कह रहा हूं आज की डेट में, मैं कल आई विटनेस था, पूरी बहस में था, आज भी हमारे जो दो जजेस है ना, जस्टिस यू ललित और जस्टिस गोयल सर है माय लॉर्ड, उनको आज तक में ये मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये समझाने वाला आदमी चाहिए कि एट्रोसिटी होता क्या है। तो इसलिए और साथियों उसके बाद इस देश में जब ये मैटर चल रहे हैं प्रमोशन रिजर्वेशन में, आज देखिए एम नागराज ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये सारे जो 5 आर्टिकल है इनमें हथौड़ा मार मार के जुडिशरी मार मार के हथौड़ा मार रही। आज पहली बार भारत के इतिहास में किसी MP ने, किसी मंत्री ने अगर जुडिशरी के खिलाफ बोला है तो वो STSC के मामले में बोला है। और साथियों बस मैं ये कहना चाहता हूं कि 10 दिन का मौका है हमारे पास, अभी तक दरवाजे बंद थे क्योंकि रिव्यू पिटीशन कोर्ट में नहीं सुनी जाती, रिव्यू पिटीशन चैम्बर में लगती है, डिसमिस हो जाती है, 95% रिव्यू डिसमिस हो जाती है। क्यूरेटिव पिटीशन में 5 जज बैठते हैं वो भी डिसमिस हो जाती है, उसके बाद राष्ट्रपति का ऑप्शन बचता है हमारे पास। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मिशनरी राष्ट्रपति होता तो अभी तक राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। और साथियों आज कोर्ट, कल कोर्ट में क्या हुआ, बस आज कल कोर्ट में क्या हुआ, जब कोर्ट ने ये बोला अटॉर्नी जनरल को कि मुझे ऐसा लगता है, जस्टिस गोयल साहब ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के एसटीएससी लोगों ने ये जजमेंट पढ़ा नहीं, अगर काश ये जजमेंट पढ़ा होता तो आंदोलन नहीं करते। तो तब अटॉर्नी जनरल के पीछे मैं था, अटॉर्नी जनरल ने बोला माय लॉर्ड मैंने एक एक वर्ड इस जजमेंट का पढ़ा है और मुझे लगता है ये अलग जजमेंट ही गलत है, अटॉर्नी जनरल ने बोला। और साथियों कल एक काम तो जरूर किया मैंने, अशोक कुमार जी को बनाना चाहता हूं मैं, मेरे भाई साहब को, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सिर्फ हम यूनियन ऑफ इंडिया को सुनेंगे, बाकी सारी पिटीशनें डिसमिस का ऑर्डर लिख दिया था,
जब वो ऑर्डर आया तो मैं बोला था पहला आदमी कोर्ट के अंदर, मैंने बोला माइलॉर्ड जब इस देश के एसटीएससी को नहीं सुनेंगे, दो लोगों को सुनेंगे तो आप जस्टिस कैसे करेंगे, एट्रोसिटी कौन क्या होती है कैसी होती है कौन समझाएगा। तब जाके जस्टिस यूएल अली साहब ने जस्टिस गोयल साहब को बोला कि इनको भी सुनना चाहिए। तो फाइनली रिजल्ट ये निकला कि 10 दिन बाद हियरिंग है, कोर्ट के दरवाजे अब थोड़ा सा खुले हैं इस आंदोलन से, और मुझे लगता है कुछ आंदोलन सक्सेसफुल होते हैं, कुछ अनसक्सेसफुल होते हैं। इस देश में एक आंदोलन हुआ था जिसमें इंडिया पूरा दिल्ली जाम हो गया था, आपने देखा होगा, एक बच्ची का मर्डर केस का केस था, आपको सबको पता है कौन सा केस था, निर्भया कांड, जिसमें पार्लियामेंट ने कुछ सेक्शन चेंज कर दिया आईपीसी में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट बिठाई थी, लेकिन वो उस मुझे लगता है उससे भी बड़ा आंदोलन ये भारतवर्ष का था जिसके वजह से कोर्ट को 2 बजे मैटर लगाना पड़ा। और साथियों बस एक ही बात कहूंगा, 10 दिन है और मैंने जिम्मेदारी ले ली है रेलवे की तरफ से ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने की, और मुझे हमारे अशोक कुमार जी जो हमारे जो भाई साहब, उन्होंने वचन दिया है कि गोरखेला साहब इसमें हरीश सालवे या मुकुल रोहतगी को अपेयर कराना पड़ेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे सुना, आप सबको जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।